अगर आप अपनी लाइफ में एक लव फील्ड, केयर से भरी हुई, रिस्पेक्ट से भरी हुई रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो जाने 10 आसान से स्टेप्स में आप ये कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिए। नमस्ते, वेलकम टू 360 डिग्रीज हैप्पीनेस, जहाँ पे हम लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में कैसे थ्राइव कर सकते हैं, कैसे ग्रो कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं लव रिलेशनशिप की, कैसे हम ब्यूटीफुल लव फिल्ड रिलेशनशिप को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं और उसको अपने लाइफ में परमानेंट बना सकते हैं। जानते हैं 10 आसान स्टेप्स में। स्टेप नंबर 1, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एक मैं ब्रीफली आपका इसका रिकैप कर देती हूँ। इसके बारे में हमने बहुत सारे डिटेल में वीडियोस बनाए हैं, आप चाहें तो उसको चेक कर सकते हैं, वो प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। पर ब्रीफली लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है कि हम जैसा सोचते हैं, हम जैसे इमोशंस रखते हैं, हम जैसा बिलीव करते हैं, हम अपने लाइफ में वही अट्रैक्ट करते हैं। तो पॉज करिए और सोचिए कि आपके थॉट्स कैसे हैं। आपके थॉट्स कहीं नेगेटिव तो नहीं एक रिलेशनशिप को लेके? आपके इमोशंस कैसे हैं? आपके इमोशंस कहीं नेगेटिव तो नहीं एक हैप्पी रिलेशनशिप को लेके? आपके बिलीव सिस्टम कैसा है? आपको कहीं डाउट तो नहीं कि आप एक हैप्पी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप को डिजर्व भी करते या नहीं करते? आप कहीं ऐसा तो नहीं सोचते कि एक रिलेशनशिप, ब्यूटीफुल रिलेशनशिप आपके लिए बनाई ही नहीं है, आपके इतने हार्ट ब्रेक्स हो गए, अभी आप फिर से एक रिलेशनशिप में जाएंगे, फिर से आपका एक हार्ट ब्रेक होगा? लव इज नॉट मेंट फॉर यू। तो पॉज लेके थोड़ा सोचें कि आप जो अभी सोच रहे हैं, क्या वो अलाइंड है आपके मैनिफेस्टेशन के साथ? कहीं आप कुछ और, एक नेगेटिव रिलेशनशिप को तो अट्रैक्ट नहीं कर रहे बाई हैविंग रॉन्ग थॉट्स, बाई हैविंग रॉन्ग इमोशंस, रॉन्ग बिलीव सिस्टम को रख के? तो आज ही अपने थॉट्स को, इमोशंस को, बिलीव सिस्टम को अलाइन कर दें विद अ पॉजिटिव ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। पॉजिटिव थॉट्स रखें, हैप्पियर इमोशंस रखें और बिलीव करें कि आप पूरा डिजर्व करते हैं एक हैप्पी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, और वो आपको जरूर मिलेगा। पॉइंट नंबर 2, वाइब्रेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसके बारे में भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, उसका मैं आपको लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक बहुत साइंटिफिक टॉपिक है अबाउट लॉ ऑफ क्वांटम फिजिक्स, कि कैसे हम वाइब्रेशंस को एमिट करते हैं, और हम जो वाइब्रेशंस एमिट करते हैं बाय लॉ ऑफ साइंस एंड क्वांटम फिजिक्स, हम अपनी लाइफ में वो ही अट्रैक्ट करते हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में लव अट्रैक्ट करना है तो आपको लव वाइब्रेशंस पे ही वाइब्रेट करना है, लव फ्रिक्वेंसीज में वाइब्रेट करना है, और वो लव फ्रिक्वेंसीज है हायर फ्रिक्वेंसीज। और उसमें लव फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करना मतलब आपको हमेशा एक लव की स्टेट में, एक हैप्पियर स्टेट में, एक जॉयफुल स्टेट में, एक कंटेंटमेंट स्टेट में रहना है। तो चेक करें कि आप हमेशा कहीं लो नेगेटिव फील तो नहीं करते, कहीं जेलस फील तो नहीं करते, कहीं फियर तो नहीं है आपको एक रिलेशनशिप को लेके, कहीं डाउट्स तो नहीं है, कहीं स्ट्रेस एंजाइटी तो नहीं है? बिकॉज ये सारे इमोशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, जेलसी, नेगेटिविटी, ये आपके वाइब्रेशंस को लो कर रहा है। अगर आपका कहीं पेन है, फॉर एनीबडी, इफ एनीबडी हैज़ ब्रोकन योर हार्ट एंड यू स्टिल हैव दैट पेन इन यू, वो भी आपके वाइब्रेशंस लो कर रहा है। अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ पेन है और आप किसी के लिए, मे बी यू आर क्राइंग फॉर समबडी, या आप उनको बहुत प्यार करते हैं, बट अगर आप रो रहे हैं तो भी आप अपने वाइब्रेशंस लो कर रहे हैं और आप अपने मैनिफेस्टेशन को खुद ही कैंसिल कर रहे हैं। तो चेक करें कि आपके वाइब्रेशंस कैसे हैं, क्योंकि हमें वाइब्रेशंस हमेशा हाई रखने हैं, हमें हमेशा हैप्पी स्टेट में रहना है, पॉजिटिव स्टेट में रहना है। पॉइंट नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मुझे बताइए, फर्ज करिए कि मुझे एक बहुत गरम गरम अच्छी सी जिंजर टी पीने का मन कर रहा है, और मेरे पास इस कप में एक सुबह की ठंडी सी चाय रखी है जिसमें शायद मक्खी भी पड़ गई थी, एकदम ठंडी बेकार हो गई है चाय। अगर मुझे नई अच्छी चाय पीनी है तो क्या मैं इस कप में जिसमें ठंडी मक्खी वाली चाय है उसी में नई चाय डाल के क्या मैं पीऊंगी? नहीं ना। हम क्या करेंगे, पहले इस कप को खाली करेंगे, पुरानी चाय मक्खी वाली फेंक देंगे, कप को साफ करेंगे, फिर ही हम इसमें नई चाय डालेंगे और हम नई चाय का मजा लेंगे, करेक्ट?
वैसे ही आपके अगर कोई रिलेशनशिप के पास्ट रिलेशनशिप के ब्लॉकेजेस हैं, बैगेजेस हैं, पेनफुल बैगेजेस जो आप कैरी कर रहे हैं, अगर आपके पास्ट रिलेशनशिप्स पेनफुल थे तो आपको उसे क्लियर आउट करना है। उस बैगेज को कैरी करके आप अपने नए रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर सकते। तो यू हैव टू, आपको वो फाउंडेशन को क्लियर करना है। यू हैव टू लेट गो, फॉरगिव एंड लेट गो, नॉट फॉर द अदर पर्सन, फॉर योर सेल्फ। देयर इज नथिंग मोर पावरफुल टूल इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन देन फॉरगिविंग एंड लेट गो। क्योंकि आप जब किसी के लिए एंगर रखते हैं, पेन रखते हैं, अभी भी उसके बारे में आप रोते हैं, सोचते हैं, तो आप अपने वाइब्रेशंस को भी लो करते हैं और आप यूनिवर्स में यही मैसेज भेजते हैं कि मुझे ऐसे और सिचुएशंस तुम दो। अगर आप रो रहे हैं, आप किसी के लिए आपने एंगर रखा है, आप किसी को फॉरगिव नहीं कर पाए हैं, तो आप वही वाइब्रेशंस एमिट कर रहे हैं और यूनिवर्स आपको वही सिचुएशंस लाइफ में और देता चला जाएगा। तो आपको लेट गो करना है, अपने पुराने सारे बैगेजेस को रिलीज करना है। नेक्स्ट पॉइंट, सेल्फ लव। बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को बहुत सारा प्यार करें। यू नो, एक सेल्फ लव, एक सेल्फ केयर का रूटीन बनाएं। क्योंकि अगर आप खुद से खुद को इतना प्यार नहीं कर सकते तो कोई दूसरे से आप ये प्यार एक्सपेक्ट कैसे करते हैं। खुद को प्यार करें, प्यार एमिट करें, खुद का ख्याल रखें, अपने बाउंड्री सेट करें कि कोई इसको क्रॉस करके आपको हर्ट नहीं कर पाए। अपना सेल्फ स्टीम हाई रखें, अपना सेल्फ केयर करें, अपने वाइब्रेशंस को बढ़ाएं। आप प्यार एमिट करेंगे, खुद को प्यार करेंगे, आपको दुनिया भर का प्यार आपको मिलेगा। सेल्फ लव, हम बहुत ज़्यादा इसको नेग्लेक्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है खुद को प्यार करना। पॉइंट नंबर 5, विजुलाइजेशन। बहुत बड़ा टूल है ये, बहुत पावरफुल टूल है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। आप एक परफेक्ट रिलेशनशिप में अपने आप को कैसा देखते हैं, कैसा आप इमोशंस फील करते हैं, व्हाट डज परफेक्ट रिलेशनशिप लुक लाइक टू यू, व्हाट डज इट फील टू यू। आप अपने परफेक्ट रिलेशनशिप में हैं तो आप सोचिए कि आप क्या करेंगे। आप शायद अपने पार्टनर के साथ उन मूवी पे जाएं, लॉन्ग ड्राइव्स पे जाएं, शायद उनके लिए खाना बनाएं। आप कैसा इमोशंस फील करें, आप लोग शायद डिनर्स पे जाएं, साथ में कुछ मिल बैठ के काम करें। उस आपको उस इमेज को बहुत क्लियरली देखना है, फील करना है। क्योंकि हम जैसा सोचते हैं, हम जैसा इमेज बार हमारे दिमाग में बार बार लाते हैं, वही हमारे सबकॉन्शियस में फ्लो करता है और हम उसी को अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। बिकॉज आवर ब्रेन, इट कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन इमेजिनरी एंड रियल। उसको बार बार आप वो परफेक्ट रिलेशनशिप की इमेज दिखाएं और ये ब्रेन ही आपको वो रिलेशनशिप आपके सामने ला के रख देगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल वर्क लाइक मैजिक। अपनी एक सुंदर सी विजुलाइजेशन की पिक्चर बनाएं, उसको पूरे इमोशन के साथ, पूरे ट्रस्ट के साथ उसको बिलीव करें, उसको देखें। एटलीस्ट दिन में दो बार जरूर विजुलाइज करें, रात को और सुबह उठने के साथ, फर्स्ट थिंग। अपना आप बहुत ही ज्यादा क्लियर एक इंटेंशन सेट करें कि आप कैसा पार्टनर पाते चाहते हैं, उस पार्टनर की क्या क्वालिटीज है, उसके साथ उसका वो कैसा दिखता है, वो कैसा बिहेव करता है, वो कैसा बात करता है, उसके अंदर क्या क्या आप कैरेक्टरिस्टिक्स चाहते हैं। आप जितनी इस इमेज को क्लियर करेंगे, आप जितना इसके बारे में लिखेंगे, आप जितना अपना इंटेंशन को क्लियर करेंगे, सेट करेंगे, आप उतना ही स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजेंगे यूनिवर्स को और यूनिवर्स आपको उतना ही ज़्यादा जल्दी वो पार्टनर ला के दे देगा, आपके विश को मैनिफेस्ट कर देगा। पॉइंट नंबर 7, ग्रैटिट्यूड। एक बहुत पावरफुल टूल है ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, अपने वाइब्रेशंस को हाई रखने का, हमेशा एक हैप्पियर स्टेट में रहने का, कि जो भी आपके पास है आप उसके लिए थैंकफुल रहें। आपको अगर लाइफ में कोई पेनफुल रिलेशनशिप भी मिला तो आज भी बैठ के उसके लिए थैंक यू एक लिखें, क्योंकि उस रिलेशनशिप ने आपको एक लाइफ लेसन सिखाया है। आप अब वो गलतियां कभी लाइफ में दोबारा नहीं दोहराएंगे, तो उसके लिए भी अपने आप को आप थैंक यू करें।
अगर किसी का रिलेशनशिप है जो बहुत अच्छा चल रहा है, उसको देख के आपको जेलिस नहीं होना है। जेलिसी आपके वाइब्रेशंस को लो करता है। आपको उन रिलेशनशिप के लिए भी थैंक यू लिखना है, थैंकफुल होना है जो अच्छे चल रहे हैं आपके आसपास, क्योंकि वो रिलेशनशिप आपको होप देते हैं कि आपके साथ भी अच्छा हो सकता है। और आप जितना ऐसे हैप्पी रिलेशनशिप्स को थैंक यू लिखेंगे, उनको आप ग्रेटफुल होंगे, उनको आप ब्लेस करेंगे, उतना ही आपकी लाइफ में और ज़्यादा ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स आते ही चले जाएंगे। पॉइंट नंबर 8, परफेक्ट यूनिवर्सल टाइम को आप ट्रस्ट करें। अब आपने बहुत सारे मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स कर लिए और फिर हम क्या होता है, हम रेस्टलेस हो जाते हैं। यार ये अभी तक पूरा नहीं हुआ, ये कब पूरा होगा, कब मुझे अपना पार्टनर मिलेगा, कब मेरा ये सपना पूरा होगा। हम जितने ज़्यादा आउटकम से अटैच होते हैं, हम जितना ज़्यादा रेस्टलेस होते हैं, हम उतना ही रेसिस्टेंस क्रिएट करते हैं अपने मैनिफेस्टेशन जर्नी में। आपने अपना काम कर दिया, आप पॉजिटिव हैं, आपने इमोशंस अपने हाई रखे, अपने वाइब्रेशंस हाई रखे, अपने थॉट्स को, इमोशंस को, बिलीफ सिस्टम को अलाइन कर दिया, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरा सारे टेक्निक्स फॉलो कर लिए, तो अब आप छोड़ दीजिए इसको यूनिवर्स पे। जब परफेक्ट टाइम आएगा, वो रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ जाएगी। यूनिवर्स के टाइम को ट्रस्ट करें, ब्लाइंडली ट्रस्ट करें, आपका बहुत जल्दी मैनिफेस्टेशन पूरा होगा। पॉइंट नंबर 9, अपने ऑथेंटिक सेल्फ को, जैसे आप हैं, उसको एम्ब्रेस करें, उसको एक्सेप्ट करें, उसको रिस्पेक्ट करें। अपने आप को किसी और के लिए चेंज नहीं करें, किसी और को खुश करने के लिए चेंज नहीं करें, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो शायद टेम्परेरी तो आपकी लाइफ में खुशी आ जाती है, पर लॉन्ग टर्म में वो रिलेशनशिप नहीं चल पाती। जब आप ऑथेंटिक अपने सेल्फ को एक्सेप्ट करते हैं, आप वैसे ही रहते हैं, किसी के लिए चेंज नहीं करते, जो राइट पर्सन है, जो आपके इस सेल्फ से रेजोनेट करता है, वो आपकी लाइफ में आता है और वो आपकी लाइफ में और लंबा रहता है। वो रिलेशनशिप पक्की हो जाती है, लंबी हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। तो अपने आप को बिल्कुल भी चेंज नहीं करें। पॉइंट नंबर 10 एंड लास्ट पॉइंट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप को अट्रैक्ट कर लें, अपनी लाइफ में ये मैनिफेस्टेशन पा लें, तो अपने उस रिलेशनशिप को आपको पूरे प्यार के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, लव के साथ उसको नर्चर करना है, उसको ग्रो करना है। ओपन कम्युनिकेशन रखें, एक दूसरे को स्पेस दें, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे के साथ आप प्यार से ग्रो करें, एंड देखिए कैसे रिलेशनशिप आपकी लाइफ में फॉर एवर के लिए हो जाएगी। टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू थॉट इट वॉज यूजफुल। एंड प्लीज किसी ऐसे बंदे को ये जरूर शेयर करें जिसको शायद आज ये सुनने की जरूरत है। और मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें कि आप ऐसे कौन से वीडियोस और देखना चाहते हैं, एंड पक्का आई विल ब्रिंग दोस वीडियोस फॉर यू। सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, ताकि जैसे ही आपको ये वीडियोस रिलीज हो, फटाक से आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप इन वीडियोस को देख सकें। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, ऑल द वेरी बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्ते।